हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं पीएचपी बिल्ट इन फंक्शंस। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा था ऊपर वाली दो एरे हैं, आपने इनको देखा था, ठीक है, इनको कैसे यूज किया था हमने। अब हम देखते हैं सॉरी एरे नहीं, ये फंक्शन है। आज हम ये दो दो फंक्शन पर बात करते हैं, ए सॉर्ट और के सॉर्ट। ए सॉर्ट एरे और के सॉर्ट सॉरी ए सॉर्ट फंक्शन और के सॉर्ट फंक्शन। तो ए सॉर्ट क्या करता है, जो एसोसिएटिव एरे होती है उसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लेता है अकॉर्डिंग टू वैल्यू। तो देखते हैं कैसे करते हैं। और के सॉर्ट इसका उल्टा होता है। तो सबसे पहले हम प्रिंट करा के देख लेते हैं एरे, जो सिंपल एरे गिवन है, जो एसोसिएटिव एरे है हमारे पास। एसोसिएटिव एरे में की जो होती है वो यूजर्स के द्वारा डिफाइंड होती है। तो देखिए यहाँ पर सिंपल हमने पर्सन्स के नेम दिए और उसमें की हमने दे दी है। तो अब हम इसमें ए सॉर्ट एरे कर ए सॉर्ट फंक्शन का यूज करते हैं इसको असेंडिंग ऑर्डर बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम एरे पास कर लेते हैं नेम्स और ए सॉर्ट। देखिए यहाँ पर अब वो एरे सॉर्ट हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू वैल्यूज, वैल्यू के अकॉर्डिंग जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में बन जाएगी जो एरे है। तो उसको हम इको करा लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं ब्राउजर को, तो देख सकते हैं पहले ए वाला अतुल, फिर बी बानू, फिर की कुंती और जेड से जुबिन। तो देखिए ये जो वैल्यूज है एरे की वो असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो गई है अकॉर्डिंग टू वैल्यूज। तो वैल्यू को वो ये कह सकते हैं आप कि जो वैल्यूज हैं उनको उसने असेंडिंग ऑर्डर में बना दिया, ठीक है ना। अब कीज कहीं भी रहें उसके अकॉर्डिंग। तो ये रहा असेंडिंग ऑर्डर। तो अब दरअसल ये जो जो एसोसिएटिव एरेज होती हैं उनको उनके लिए होती हैं फंक्शंस। के सॉर्ट इसका उल्टा हो जाएगा, इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर बना सकते हैं एरे को। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाएंगे तो सॉरी एक मिनट मैं गलत बोल गया, थोड़ा असेंडिंग ऑर्डर में ही बनाएंगे इसको, लेकिन ये की के ऑर्डर अकॉर्डिंग बनाएंगे, ठीक है। इस एरे को हम अब असेंडिंग ऑर्डर में करने जा रहे हैं बट अकॉर्डिंग टू की, हम की के अकॉर्डिंग ये एरे जो होगी, ये नेम जो दिए होंगे वो, पहले मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कीज को चेक कर लीजिए। फिलहाल तो हम मुझे लग रहा है कि शायद हमने ए बी सी डी ये असेंडिंग ऑर्डर में पहले से दी हुई है, तो यहाँ पर मुझे लगता नहीं कि फ़र्क पड़ेगा कुछ। ओके, तो हम इनकी कीज़ को चेंज कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना कीमती समय निकाला अपना। तो देख सकते हैं अब ए बी सी डी जो कीज़ है। तो अब ये के सॉर्ट फंक्शन क्या करता है, जो आपकी एरे है उसको असेंडिंग ऑर्डर में बनाता है बट वो किसके अकॉर्डिंग बनाता है, वो कीज के। तो मैं कीज चेंज कर लेता हूँ क्योंकि अभी कीज जो थी पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में थी तो हमें आइडिया नहीं लगा। तो मैं इसको की को मैं अलग अलग की लिख देता हूँ और उसके बाद रिफ्रेश करता हूँ। तो देख सकते हैं आप की को ए बी सी डी, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में एरे असेंडिंग ऑर्डर बन गया बट वो अकॉर्डिंग टू कीज, यानी कह सकते हैं की को उसने असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया है, बना दिया है, और वैल्यू उनके अकॉर्डिंग उसके सामने ही रहेंगी।